नमस्कार दोस्तों, हम हैं रिजल्टपुर पेन से पोजीशन। रिजल्टपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो हिमालय पार की नदियों में ब्रह्मपुत्र हिमालय पार की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज हिमालय पार की नदियां हैं। इसका आंसर है बी। इसमें ए और सी और डी में गंगा है। तो गंगा हिमालय के नीचे की नदियां हैं, जो उत्तराखंड की गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरह। तो इसमें इसका आंसर ये होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा होगा ए। आगे बढ़ते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो इसमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा दिया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर गंगा होगा। गंगा भारत की लंबी नदी है, लेकिन यहाँ बृहत्तम दिया है। होता तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं है, तो हम लगाएंगे गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है कि मेघना के नाम से जानी जाती है। ये दोनों मिलती हैं नदियाँ बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगाम दो नदियाँ हैं। तो नौगम में मतलब नौकायन जहाँ पे हो। तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र में भारत की सबसे अधिक नौगम में नदियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु है, वो है इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये गंगा नदी होगी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो भारत पे सबसे लंबा रोड ब्रिज जो है वो है लोहित नदी पर, जो कि 9.15 किलोमीटर है। और जो कि गंगा नदी पर जो ब्रिज है, महात्मा गांधी सेतु है, इसकी लंबाई 5750 मीटर है। तो अगर ऑप्शन में लोहित नदी आएगा तो हम लोहित नदी लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में हमारे गंगा नदी है, तो हम गंगा नदी टिक करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है दोस्तों, वो तो गंगा नदी भी बनाती है और ब्रह्मपुत्र। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान का उत्तर इसमें हमारा होगा उत्तराखंड और तिब्बत। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी के नाम से गंगा निकलती है, और तिब्बत के मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर के नाम से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है का उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में कौन सी नदी का उद्गम नहीं है, वो है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसका उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी जो सांगपो है उसी को हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो वो भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास से होकर एंट्री करती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंध नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो इस लंबाई का, यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का भी और सतलज नदी का भी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा इनसे सभी। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मांजुली द्वीप जो है असम में है। अब इसको जिला भी घोषित कर दिया गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की पर निर्माण करती है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में बेतवा है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं, नेपाल से निकलती है और बिहार में इसकी वजह से बाढ़ आता है, जिस वजह से हम इसको बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे मतलब हिमालय के पार। तो हिमालय के पार की नदी जो है वो हमारी सतलज नदी है। सतलज नदी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो ये हमारी कोसी नदी हम पढ़ चुके हैं, जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, ये हमारे विनाशक नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल का शोक कहलाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल की शोक कहलाता है। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदी नर्मदा है, जो कि अरब सागर की ओर जाती है, अरब सागर में गिरती है। और दूसरी नदी है सोन, जो कि बिहार के पास गंगा से मिल जाती है, ये उत्तर की तरफ जाती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।